हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ज्वेलरी सेट हल्दी सेरेमनी के लिए। पहले मैं सर्कल कट कर लिया और अब फ्लावर की शेप में दे रहा हूँ। अब ग्लू से इसको रोज के शेप में हम बना लेंगे। तो हमारा रोज़ का पैटर्न बनाना हो गया। अब हम दूसरे तरह का फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए बड़ा सा सर्कल कट कर लेंगे, फिर इसको भी फ्लावर के शेप में कट लेंगे। तो मैं जैसे कर रही हूँ आप भी देखो, बहुत ही आसान है ये ज्वेलरी मेकिंग करना। तो आप भी घर पे इजीली बना सकते हो। अब हम एक आयरन मशीन में ये रखेंगे, तो देखना कितना अच्छा से ये फ्लावर का शेप आ जाता है, बढ़िया से। अब मैं इसको पेंसिल से भी शेप देने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा दो तरह का फ्लावर रेडी है। अब मैं नेक पीस के लिए एक थिन कार्डबोर्ड और क्लॉथ से पूरा कवर कर दिया ग्लू की हेल्प से। अब इसमें ग्लू की हेल्प से मैं फ्लावर को अटैच कर रही हूँ। तो पहले मैं तीन फ्लावर को अटैच कर लिया। अब साइड में छोटा छोटा फ्लावर भी अटैच कर लेंगे। अब मैं एक पिन लेके इसमें छेद कर रही हूँ। अब हम जंप रिंग अटैच करेंगे। अब इसमें एक धागा अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोतियाँ, तो हम 20 मोती अटैच करेंगे। फिर जंप रिंग भी अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ सेम प्रोसीजर करेंगे। फिर एक नॉट बांध लेंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया, दोनों साइड एक ही किया। आप टैक्सल के हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा नेक पीस रेडी है। अब बनाएंगे फिंगर रिंग। इसके लिए मैंने राउंड शेप का एक थिन कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया। अब इसको क्लॉथ से कवर कर देंगे। इसमें भी फ्लावर अटैच कर दिया। फिंगर रिंग रेडी। आप बनाएंगे ईयर रिंग। आप मैंने यहाँ पर कुंदन का चेन लिया, इसको अटैच कर देंगे ईयर रिंग के लिए। तो हमारा कुंदन का चेन अटैच करना हो गया। आप फ्लावर लगाएंगे, फिर लगाएंगे पीछे ईयर रिंग स्टैंड। तो हो गया हमारा ईयर रिंग रेडी। तो कैसा लगा पूरा ज्वेलरी सेट हल्दी के लिए